प्यार है वो, मेरा ये सवाल है कि कोई लोग मजहबी नहीं होते, तो कोई लोग मजहबी नहीं होते, तो जब हम उनके साथ बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अल्लाह मियां ने सारा कुछ बनाया है, लेकिन फिर वो ये पूछते हैं कि अल्लाह मियां को किसने बनाया है? अल्लाह कौन है? सवाल है कि पहले पहले तो जिसको अल्लाह को ही नहीं मानता, तुम उसको अगर ये कहोगे कि अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला ने मजहब भेजा और ये सब कुछ किया, तो उसको कहेगा अल्लाह ताला को मैं मानता ही नहीं, मुझे इससे क्या, मजहब की बात है तो ठीक है ना। उसको पहले तो ये बताओ और मनवाओ कि खुदा है, ठीक है। वो ये मानते हैं कि कोई ताकत है, कोई ताकत है जो सारे जो निज़ाम है उसको चला रही है यूनिवर्स के, ये मानते हैं ना, एक नेचर के ज़रिए से चल रहे हैं ना, ये मानते हैं ना। वो उस ताकत को किसने बनाया? वो कहेंगे उस ताकत के ऊपर कोई ताकत है, जिस ताकत पे भी लेती जाओ आखिर एक हद पे पहुंच के कोई ना कोई बात माननी पड़ेगी ना, कोई ताकत है, जो ताकत उनके नज़दीक आखिरी ताकत है वही खुदा है, ठीक है। खुदा ताला को बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर बनाने लगे तो किसको, किस चीज़ ने बनाया? उस जो उनके नज़दीक एक ताकत है उसको किसने बनाया? खुद ब खुद बन गई? अगर वो खुद ब खुद बन गई तो खुदा भी खुद ब खुद बन गया, ठीक। तुम वो किताब है हमारा खुदा बच्चों के लिए, तो वो भी समझ में आने के लिए अच्छी आसान किताब है, पता नहीं उसका जर्मन में तर्जमा हुआ है कि नहीं, इंग्लिश में तर्जमा आवर गॉड हो के नाम पे हो गया है। वो किताब पढ़ो और उसको पढ़ के फिर बताया करो कि खुदा है और किसने बनाया और किस तरह बना, ठीक है।